मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना इलाके में रहने वाले रिटायर कर्मचारी रंजीत सिंह काका ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मामला पशुपालन विभाग से जुड़ा है, जिसमें तैनात कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर आज अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुँचे रंजीत सिंह काका ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए रंजीत सिंह उर्फ काका ने अपने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें विभाग के अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, उनका हक नहीं मिलने पर परिवार के भरण पोषण के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। लगभग 37 साल से ऊपर मैंने पशुपालन विभाग में अपनी सेवाएं दी और मेरी 37 साल की सेवाओं के उपरांत मेरा जो शोषण हुआ उसको मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। 37 साल की सेवाओं में तो मुझे स्थायीकरण किया जाता है, जबकि 3 साल में गवर्नमेंट की नियमावली है, सुप्रीम कोर्ट की नियमावली है कि 3 साल अगर कोई भी कर्मचारी कंटिन्यूस काम कर लेता है तो उसको स्थायीकरण कर दिया जाता है। लेकिन मुझे 37 साल की सेवाओं के बाद में मुझे 22 फरवरी 2022 को मुझे स्थायीकरण किया जाता है। आजकल एक मुहिम चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि नौकरियों को छोड़िए। मैंने 3 बार PRS का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना पत्र दिया, 2 बार जिसको अधिकारियों ने खारिज कर दिया बिना किसी मतलब के, सिर्फ मुझे परेशान करने की वजह से। लास्ट में जब मेरी ज़्यादा ही उनसे जिनको बहस हुई तो 28 फरवरी को मुझे सेवानियुक्त किया गया और सेवानियुक्त करने के बाद में मुझे भुगतानों के लिए मुझे और मेरे परिवार को इतना क्या नाम है परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि पूछो मत। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपकी नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र लेके आइए, जब तक आपका कोई भुगतान नहीं मिलेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन अधिकारियों से और गवर्नमेंट के आला अधिकारियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के पास में सर्विस बुक होती है, जो विभाग के पास में सर्विस बुक होती है, उसकी जिम्मेदारी पटल प्रभारी की होती है। अब पटल प्रभारी या अधिकारी हमसे कहें कि वो लेके आइए चीज़, तो ये एक बेतुकी बात होती है। आज किससे मिले आप? हम कमिश्नर साहब से आज मिले, बड़े ही अच्छी तरीके से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का समाधान यहाँ से करवाएंगे। लेकिन वो जो दोनों ही पटल अधिकारी और पटल के क्या नाम है जो है बाबू हैं लिपिक हैं, वो पूरी तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं और हमें भुगतान से वंचित करना चाह रहे हैं। 2.5 महीने हो चुके हैं पेंशन नहीं मिल रही है, 2.5 महीने हो चुके हैं ग्रेजुएटी नहीं मिली, 2.5 महीने हो चुके राशिकरण नहीं मिला, 2.5 महीने हो चुके हैं हमें अब बीमे का कोई लाभ नहीं मिला है।